जानकारी आ रही थी, अब जाकर चीजें स्पष्ट हुई है और इसीलिए सारा कंफ्यूजन फैला हुआ था कि यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी इस बात का पता नहीं था कि कैसे क्या इतनी बड़ी घटना हुई हो गई। अब सोचिए कि अतीक और अशरफ दोनों पुलिस कस्टडी में और दोनों को प्रयागराज में जिनकी जान को खतरा था, वो आपने देखा था कि कोर्ट में भी किस तरीके से इन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और अतीक अशरफ दोनों को जहां मेडिकल के लिए ले जाया गया था दोनों को मार दिया है तीन नौजवानों ने मिलकर के, और इस तरीके से ये घटना हुई है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, और जाहिर है सवाल बहुत बड़े सवाल है। और बड़ा अजीब सा कुछ तस्वीरें भी आ रही है, जैसे ही वो तस्वीरें टीवी 9 भारत वर्ष के पास आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के घेरेबंदी में अशरफ और अतीक को ले जाया जा रहा है, अचानक से तीन हमलावर आते हैं। वो पहले तो अतीक की तैयार किए किस तरह से कानून व्यवस्था है, क्या ये जंगल